नीलाम करोगे <laughs> अम्मी मत कहो अम्मी ये बात मत कहो ये तस्वीर ये खुद मैंने बनाई थी अगर तो तो तुम आ सकती हो तो मैं नहीं जा सकता बदनामी होगी ना वो तैयारी तैयारी चढ़ इन सभी फिल्मों को जो नाम एक साथ जोड़ता है वो है बिमल रॉय जिन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए ज़िंदगी की वास्तविकता को पर्दे पर बहुत ही कलात्मक तरीके से उभारा उनकी फिल्में न सिर्फ कामयाब हुईं, बल्कि उन्होंने नए ट्रेंड सेट किए और फिल्म इतिहास में एक ख़ास जगह बनाई उन्हें सात बार फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया स्टिल फोटोग्राफर सिनेमाटोग्राफर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और फीचर फिल्मों के निर्माता निर्देशक बिमल रॉय अपने स्कूली दिनों में भी नाटक में भाग लेते थे स्त्री पात्रों की भूमिकाएं भी किया करते थे इसके अलावा चित्रकला और फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ था और शौक़ आसानी से पूरा भी होता था क्योंकि वो पूर्वी बंगाल के एक जमींदार के बेटे थे लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ तो रियासत के मैनेजर ने उनकी सारी जायदाद हड़प ली उस वक्त वो इंटरमीडिएट कर रहे थे इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि सबको कोलकाता आना पड़ा कोलकाता में जहाँ वो रहते थे वहाँ से कोलकाता का मशहूर न्यू थिएटर्स कुछ ही दूरी पर था उन दिनों वहाँ बांग्ला के साथ साथ हिंदी उर्दू और तमिल में भी फिल्मों का निर्माण हुआ करता था गर्दिश के उन दिनों में बिमल रॉय ने न्यू थिएटर्स में काम पाने की कोशिश करना शुरू कर दिया और एक दिन उनकी एक कोशिश रंग ले आई नितिन बोस उस समय न्यू थिएटर्स के स्टार कैमरामैन हुआ करते थे उन्होंने बिमल रॉय को सहायक कैमरामैन के तौर पर न्यू थिएटर्स में काम दिला दिया नितिन बोस उनके काम से काफ़ी प्रभावित हुए और जब उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली तो कैमरा की जिम्मेदारी सौंप दी बिमल रॉय को इस तरह डाकू मंसूर फिल्म से बिमल कैमरामैन बन गए मुक्ति माया और 1936 की देवदास से बिमल रॉय ने बतौर कैमरामैन इतनी मजबूत पहचान बनाई कि मुक्ति के पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर उनका नाम फिल्म के निर्देशक के नाम के साथ लिखा गया पर उनका सपना था फिल्म निर्देशन और जल्दी ही उनका यह सपना भी पूरा हो गया दरअसल 1943 में बीएन सरकार के कहने पर बिमल दा ने बंगाल के सूखे पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया बीएन सरकार भी उस डॉक्यूमेंट्री से बहुत प्रभावित हुए और बिमल रॉय को बांग्ला फिल्म उदेर पाथे के निर्देशन का मौका दे दिया इस प्रयोगात्मक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्देशन भी किया पर तब तक न्यू थिएटर्स के हालात बिगड़ने लगे थे इसी बीच बिमल रॉय को मुंबई से बॉम्बे टॉकीज़ का ऑफ़र आया और वो मुंबई चले आए बॉम्बे टॉकीज़ के लिए बिमल रॉय ने माँ फिल्म का निर्देशन किया इस फिल्म ने दर्शकों को बहुत रुलाया लेकिन अशोक कुमार प्रोडक्शंस की फ़िल्म परिणीता की अपार सफलता ने बिमल रॉय को बतौर निर्देशक पूरी तरह स्थापित कर दिया और फिर उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बनाने का फैसला किया और नींव पड़ी बिमल रॉय प्रोडक्शंस की बिमल रॉय प्रोडक्शंस की पहली फिल्म आई उन्नीस में दो बीघा जमीन जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच तू जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर इस फिल्म ने भारत में न्यू वेव सिनेमा के लिए रास्ता बनाया ये आर्ट और कमर्शियल सिनेमा का पहला कामयाब उदाहरण बनी दो बीघा जमीन की कहानी सलील चौधरी ने लिखी थी जिन्होंने इस फिल्म का संगीत भी दिया ढेरों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित इस फिल्म की आज भी फिल्म इतिहास में बहुत ख़ास जगह है इस फिल्म में मीना कुमारी एक बहुत छोटे से रोल में दिखती हैं एक लोरी उन पर फिल्माई गई है और दो चार सीन लेकिन मीना कुमारी ने खुद इस फिल्म में काम करने की इच्छा जताई थी क्योंकि बिमल रॉय इस फिल्म के निर्देशक थे पीसी बरुआ ने जब देवदास बनाई थी तो उसमें बिमल रॉय ने बतौर कैमरामैन काम किया था लेकिन देवदास की कहानी ऐसी है कि हर फिल्मकार उस पर फिल्म बनाना चाहता है तो बिमल रॉय ने भी इस फिल्म के लिए एक टीम तैयार की और फिर आई बिमल रॉय प्रोडक्शंस की देवदास जिसमें दिलीप कुमार सुचित्रा सेन बैजंती माला और मोतीलाल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई मैंने छोड़ दिया है किसी ने अपने सर की तो नहीं हालांकि बिमल दा मीना कुमारी और नरगिस को लेना चाहते थे लेकिन तब तक मीना कुमारी की जिंदगी का कंट्रोल उनके पति कमाल अमरोही के हाथों में आ चुका था और उनकी कुछ कंडीशंस थी जो मानी नहीं जा सकती थी इसीलिए वो रोल सुचित्रा सेन को दिया गया उधर नरगिस सुरैया और बीना राय भी पारो का रोल करना चाहती थी लेकिन वो पहले ही दिया जा चुका था अल्टीमेटली वैजंती माला तैयार हुई और फिल्म बनकर पूरी हुई देवदास ने दिलीप कुमार को पूरी तरह ट्रैजिक स्टार का दर्जा दिला दिया कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है बिमल रॉय देश के पहले ऐसे फिल्मकार थे जो फिल्मों में रियलिज़्म को लेकर आए उनकी फिल्मों के कलाकार उसी तरह बात करते थे जिस तरह आप और हम करते हैं यानी आम इंसान निजी ज़िंदगी में क्या करते हैं उनकी फिल्मों के इमोशनल सीन्स में शब्दों से ज़्यादा खामोशी भूलती है और देखने वाले उस खामोशी में डूबते उतरते रहते हैं देवदास के बाद एक बार फिर दिलीप कुमार और बैजंती माला की जोड़ी दिखी और इस बार जो फिल्म थी उसने जैसे एक नया रास्ता खोल दिया मधुमती जिसके म्यूजिक ने सबको मदहोश किया लेकिन स्टोरी के मामले में ये एक ट्रेंड सेटर साबित हुई इसके बाद पुनर्जन्म पर आधारित जाने कितनी ही फिल्में आईं जिनमें वही कॉन्सेप्ट रहा मधुमती को राष्ट्रपति के सिल्वर मेडल से नवाजा गया इसमें फैंटसी और गीत संगीत का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है फिर भी वो वास्तविकता बरकरार रहती है जिसके लिए बिमलदा जाने जाते थे आ जा आपको जानकर हैरानी होगी कि बिमल रॉय नहीं चाहते थे कि ये गाना फिल्म में रखा जाए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाकी गानों से इसका मूड बिल्कुल अलग है पर लता मंगेशकर के जोर देने पर इसे फिल्म में रखा गया और ये गाना इतना हिट हुआ कि आज भी रोंगटे खड़े कर देता है और यही वो गाना है जिसके लिए पहली बार किसी सिंगर को अवार्ड दिया गया बिमल दा की फिल्मों में स्त्री पात्र हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहे चाहे साहित्य पर आधारित फिल्म हो या किसी और विषय पर स्त्री पात्र हमेशा उनकी फिल्मों के केंद्र में दिखे सुजाता फिल्म में उन्होंने अछूत लड़की के जरिए भेदभाव के विषय को उठाया जिसमें नूतन ने कमाल का अभिनय किया मैं बहुत नीचे जाती हूँ मैं हूँ, एकदम अछूत। नूतन के ही साथ एक बार फिर उन्होंने बनाई बंदिनी एक और सेंसिटिव थीम एक और क्वालिटी फिल्म इस फिल्म को हिंदी की बेस्ट फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया आ, आ, बंदरी की शूटिंग के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि किसी वजह से गीतकार शैलेंद्र अवेलेबल नहीं थे और एक गाना लिखना था तब रघुनाथ झालानी अपने एक दोस्त को लेकर आए उनका लिखा गाना बिमल रॉय को बहुत पसंद आया और उनकी प्रतिभा को देखते हुए बिमल रॉय ने उन्हें अपना सहायक बना लिया वो गीतकार जो सहायक बने वो थे गुलजार और जो गीत उन्होंने लिखा था वो था ये। ले ले, शाम रंग बिमल रॉय ने अपने प्रोडक्शंस की फिल्मों के अलावा दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी कुछ फिल्मों का निर्देशन किया जैसे विराज बहू और यहूदी तो क्या तुम्हारे कानून ने मजहबी जामा पहन रखा है क्या तुम्हारा इंसाफ नफरत और इकारत की बुनियाद पर खड़ा है विराज बहू चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी फिल्म की हीरोइन थी कामिनी कौशल बिमल दान ने उन्हें ये नावल पढ़ने के लिए दिया और कहा कि इसे एक दो बार नहीं बार बार पढ़ो इतना पढ़ो कि खुद को वो पात्र मानने लगो और कामिनी कौशल ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस किरदार में इतना डूब गई थी कि शूटिंग के दौरान उस किरदार को निभाते हुए वो असल में भावनाओं में बह जाती थी लेकिन उनके इसी कन्विक्शन ने उन्हें दिलाया फिल्म फेयर अवार्ड और बिमल रॉय को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तुम्हारी चरणों में सर रखकर सूरत देखते देखते मेरे प्राण निकले बिमल दा बहुत शांत किस्म के व्यक्ति थे सेट पर भी बहुत कम बोलते थे वही सहजता उनकी फिल्मों में भी नजर आती है एक कैमरामैन होने के नाते लाइटिंग और कॉम्पोजिशन का गजब का सेंस तो था ही जब उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया उस समय स्टूडियोज़ में ही शूटिंग करने का चलन था बिमल रॉय ने स्टूडियो की बड़ी बड़ी लाइट्स के बजाय प्राकृतिक रोशनी में काम करना शुरू किया वो हमेशा पूरी स्क्रिप्ट के साथ सेट पर आते और दिन में चार से ज़्यादा शॉट नहीं लेते थे और एक बार सीन समझा कर सब कुछ कलाकार पर छोड़ देते थे शायद इसीलिए उनका हर शॉट इतना परफेक्ट होता है कि सीधे देखने वाले के दिल में उतर जाता है बिमल रॉय ने सिनेमा को सलील चौधरी जैसे संगीतकार गुलजार जैसे गीतकार और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे फिल्मकार दिए ऋषिकेश मुखर्जी उनकी फिल्मों के एडिटर थे यहाँ तक कि जब वो अपनी फिल्में बनाने लगे तब भी बिमल रॉय की फिल्मों की एडिटिंग अक्सर वही किया करते थे बिमल रॉय प्रोडक्शंस की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें उन्होंने नहीं बल्कि नए लोगों ने डायरेक्ट किया परिवार और अपराधी कौन में बिमल रॉय ने असित सेन को मौका दिया उसने कहा था का निर्देशन मोनी भट्टाचार्य जी ने किया काबुली वाला का निर्देशन किया हेमन गुप्ता ने और बेनज़ीर एस खलील के निर्देशन में बनी 12 जुलाई 1909 को जन्मे बिमल रॉय 8 जनवरी 1966 को कैंसर के कारण इस दुनिया से रुखसत हो गए पीछे छोड़ गए अपनी बनाई बेहतरीन फिल्मों की सौगात जो आज भी फैसिनेट करती है आज भी उनकी फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाती है क्योंकि उन्हें आप जब भी देखो आपको हर बार वो किसी नई दुनिया में ले जाती हैं नेशनल फिल्म आर्काइव्स द्वारा उनकी फिल्मों का डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है ताकि हिंदी सिनेमा की इस अनमोल धरोहर को संजोया जा सके बिमल रॉय वो हस्ती थे जिनका नाम इंटरनेशनल लेवल पर जाना गया और जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई गई एक बेहतरीन फिल्मकार के तौर पर उनका नाम फिल्म इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा